नमस्कार। तो आज हम स्टार्टअप्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया जा सकता है और वो कौन से तरीके हैं जिनके जरिए आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको स्टार्टअप का मतलब क्या होता है ये पता नहीं है तो आपको बता दूं कि स्टार्टअप का मतलब होता है वो कंपनीज जो नई नई शुरू हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, कुछ सक्सेसफुल हो रहे हैं तो कुछ फेल हो रहे हैं। सो अगर कोई इन्वेस्टर किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है और वो स्टार्टअप सक्सेसफुल बन जाता है तो इन्वेस्टर पैसा कमाते हैं। सिमिलरली अगर वो स्टार्टअप नहीं चलता या फेल हो जाता है तो इन्वेस्टर्स को लॉस हो जाता है। सिंपल। स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनीज और स्टार्टअप में मेन डिफरेंस ये है कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनीज में आप एक छोटे अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आप आसानी से कभी भी शेयर्स बाय कर सकते हो और बेच भी सकते हो। वही स्टार्टअप में ऐसा नहीं होता। स्टार्टअप में शेयर्स ट्रेडेबल नहीं होते हैं। स्टार्टअप्स यूजुअली स्टॉक मार्केट से ज़्यादा रिटर्न देने के लिए जाने जाते हैं। वही अगर आप नई कंपनीज का फेल्यूर रेट देखोगे तो वो भी ज़्यादा ही रहता है। तो जब आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर भी आपको बिजनेस को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो बिजनेस को ट्रैक करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, यही सेम सिस्टम स्टार्टअप में भी करना होता है। स्टार्टअप की वजह से हिस्ट्री काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से एनालिसिस करना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का पहला तरीका है एंजल इन्वेस्टिंग। जिस स्टार्टअप में आपको इन्वेस्ट करना है आप पर्सनली उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंडिया में बहुत सारे एंजल नेटवर्क्स हैं, आप उनके जरिए भी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मुंबई एंजल नेटवर्क, इंडिया एंजल नेटवर्क, दिल्ली एंजल्स, चेन्नई एंजल्स एट्सेट्रा। तो आप इन एंजल नेटवर्क की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। वहाँ पर आप जो स्टार्टअप्स फंडिंग उठाना चाहते हैं उनकी पिचिंग भी सुन सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में हम कितने भी अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, लेकिन सेम चीज़ स्टार्टअप्स के बारे में अप्लाई नहीं होती है। स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपकी अच्छी खासी नेटवर्क होनी चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन एंजल इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि विप्रो के मिस्टर अजीम प्रेम जी अपने फैमिली ऑफिस प्रेम जी इन्वेस्ट के जरिए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। वही इन्फोसिस के कोफाउंडर मिस्टर नारायण मूर्ति अपनी वेंचर कैपिटल फर्म कैटामैरन वेंचर्स के जरिए इन्वेस्ट करते हैं। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो एंजल इन्वेस्टिंग करते हैं। स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने का नेक्स्ट तरीका है क्राउड फंडिंग। बहुत सारी क्राउड फंडिंग वेबसाइट्स हैं, जैसे कि impactguru.com, catapult.com, जिनके जरिए स्टार्टअप्स क्राउड फंडिंग उठाते हैं। तो आप उसमें पार्टिसिपेट करके उस पर्टिकुलर स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन क्राउड फंडिंग आजकल इतनी पॉपुलर नहीं है और ना ही ज़्यादातर स्टार्टअप्स क्राउड फंडिंग के जरिए फंड उठाना पसंद करते हैं। बेसिकली स्टार्टअप्स एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल से ही फंड उठाना पसंद करते हैं। स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का अगला तरीका है वेंचर कैपिटल्स में इन्वेस्ट करना। वेंचर कैपिटल्स स्टार्टअप्स में बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए जाने जाते हैं। बेसिकली वेंचर कैपिटल्स इन्वेस्टर से पैसा उठाते हैं और फिर वो पैसा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो अगर एंजल इन्वेस्टिंग करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप वीसीज का तरीका अपना सकते हो। यानी आप किसी वीसी में पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो और फिर वीसी आप जैसे कई इन्वेस्टर से पैसा रेज करेंगे और वो पैसा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेंगे। वेंचर कैपिटल्स किसी से भी पैसा नहीं उठाते हैं, वो सिर्फ हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर से ही पैसा उठाते हैं। सो अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है या फ्यूचर में आ जाता है तो आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमने तीन तरीके देखे जिनके जरिए आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हो: एंजल इन्वेस्टिंग, क्राउड फंडिंग और वेंचर कैपिटल में इन्वेस्ट करना। और इन तीनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। तो शुरुआत में आप एंजल इन्वेस्टिंग का तरीका अपना सकते हो। अगर आप स्टार्टअप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम फ्यूचर में स्टार्टअप इन्वेस्टिंग से जुड़े टॉपिक्स को कवर कर पाए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें 9049641491 या 8055835835 इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।